हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ प्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्मॉल फोरहेड हेयर स्टाइल। जी हाँ, अगर आपके फोरहेड जो है वो स्मॉल है तो आप किस तरह के हेयर स्टाइल कर सकते हैं, एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप नेचुरली अपने फोरहेड को थोड़ा सा बिग दिखा सकते हैं। गाइज, जो भी हमारा फेस का शेप या बॉडी का शेप होता है उसे हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो होता है वो अच्छा ही होता है और नेचुरल होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट आप अपने लुक्स को थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ कुछ हेयर स्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप थोड़ा सा अपने लुक्स को चेंज जरूर कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था बिग फोरहेड के लिए हेयर स्टाइल, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं पॉजिटिव, जो कि बहुत ही अच्छे लगे मुझे, एंड बहुत लोगों ने पूछा कि प्लीज स्मॉल फोरहेड के लिए भी हेयर स्टाइल बताइए। सो मैंने ये सोचा कि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ऑफकोर्स अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं कहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट करिए, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ टिप्स में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बात। जैसे कि हमारा फेस है तो हम ये सोचते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा फोरहेड जो है बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं क्या करूँ, ये सब हेयर स्टाइल तो मैं फॉलो कर लूँगी इन ऑल दैट। सो गाइज, सबसे पहले आप अपने फेस को मेज़र करिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो फेस का शेप है वो आपका फोरहेड जो है वो नॉर्मल है उसके हिसाब से, या फिर आपका जो बड़ा है या छोटा है। तो मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक्स बता रही हूँ, आप किस तरह से अपने फोरहेड का मेजरमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले क्या करना है, इतना मेज़र करना है आपको, यहाँ पे जो हेयर ग्रोथ है वहाँ से लेके अपने आईब्राउज तक इतना मेज़र करना है। उस मेजर के अनुसार आपको आईब्राउज से नोज तक मेज़र करना है, एंड फिर इतना ही मेज़र को आपको अपने नोज के जो लास्ट है वहाँ से लेके चिन तक मेज़र करना। अगर ये तीनों इक्वल है, जैसा कि मेरा इक्वल दिख रहा है, तो ये अगर तीनों इक्वल है तो आपका जो फेस है वो नॉर्मल फेस है, आपका नहीं नोज एरिया बड़ा है, नहीं लिप्स एरिया बड़ा है, और नहीं आपका फोरहेड बड़ा है। सो आप पे कोई भी हेयर स्टाइल सूट करेगा, एंड आपका जो फेस है वो नॉर्मल है, लंबे फेसों में आता है। सो ये थे एक ट्रिप्स जिसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इस तरह से मेज़र कर लीजिएगा, जिन्होंने भी ये कमेंट किया था कि मेरा फोरहेड जो है बहुत बड़ा है, तो आप इस तरह से मेज़र कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका फोरहेड बड़ा है या नॉर्मल है। एंड बड़ा फोरहेड कैसा होता है, इमेजेस मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, उन इमेजेस को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर आपका ये एरिया इक्वल, ये और ये इक्वल नहीं है, अगर आपका जो फोरहेड है वो इतना बड़ा है, माना कि आपका फोरहेड इतना बड़ा है और इतने में ही आपका नोज लिप्स और चीन है, सो गाइज उसको कहते हैं कि हमारा फोरहेड जो है वो बड़ा है। इसको हम कह सकते हैं कि फोरहेड जो है बड़ा है। सो यहाँ पे कुछ मैं इमेजेस ऐड कर रही हूँ, वो उसे आप देख सकते हैं। एंड अगर आपका जो नोज एरिया है वो इतना है, चिन एरिया इतना है, बट आपका फोरहेड एरिया जो है वो उससे कम है, तो उस फेस को हम बोलते हैं कि हमारा फोरहेड जो है वो स्मॉल है हमारे फेस के अकॉर्डिंग। सो गाइज, वही वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका जो फोरहेड एरिया है स्मॉल है तो आप किस तरह से उसे थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। सो कुछ टिप्स भी बताऊंगी मैं, और हेयर स्टाइल की वीडियो भी शेयर करूंगी। वीडियो लंबा हो सकता है गाइज, बिकॉज इतने सारे इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, तो वीडियो ऑफकोर्स लंबा हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला टिप्स है कि अगर आपका जो फोरहेड है वो दिखने में छोटा है, सो गाइज आप अपने हेयर को स्ट्रेट कराइए, मतलब आपको अपने हेयर को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट हेयर को स्ट्रेट रखने से हमारा जो फोरहेड वो क्लियर दिखता है, इसके कारण जो है फेस पे हमारे बाल नहीं आते हैं। स्ट्रेट हेयर होते हैं तो ऑफकोर्स वो साइड साइड से होते हैं, क्लियर हमारे फेस को दिखते हैं, सो इसके कारण आपका जो फोरहेड है वो बड़ा दिख सकता है। सो सेकेंड टिप्स है कि आप अपने फेस को शो करें, मतलब आपका आप कोई भी किसी भी तरह के हेयर स्टाइल करें, या फिर आपके ओपन हेयर हो, या फिर आप पॉनी करें, या फिर आप ब्रेड करें, कोई भी हेयर स्टाइल करें, आपका जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए। मतलब आप कोई भी हेयर स्टाइल करें तो आपका जो फेस है वो पूरा क्लियर दिखना चाहिए, आपके फोरहेड पे बिल्कुल भी हेयर नहीं होने चाहिए। उसके लिए आप थ्रेड करवा सकते हैं, फोरहेड पे जो हमारे स्मॉल छोटे छोटे हेयर्स हो जाते हैं उसको आप क्लियर करा सकते हैं, उससे भी आपका फोरहेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है। सो थर्ड टिप्स ये है, आपका स्मॉल है फोरहेड तो आपको क्या करना है कि आपको जो है लेयर कट नहीं कराना है, मतलब यहाँ पे आपको छोटे छोटे हेयर्स को नहीं रखना है। आप लॉन्ग हेयर रखिए, मतलब स्ट्रेट हेयर रखिए, जिसे मैंने फर्स्ट टिप में बताया कि आप हेयर को स्ट्रेट रखें। अगर आप छोटे 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 लेयर कटा लेते हैं, यहाँ से आप यहाँ से रखते, तो वो आपका जो फोरहेड है वो हाइड हो जाएगा और आपका बाकी फेस दिखेगा। इसके लेयर और ब्रेड कटाने के कारण क्या होगा कि आपका जो फोरहेड है वो हाइड हो जाएगा। लेयर और ब्रेड जो हम बेबी कट कटवाते हैं वो हम बिग
फोरहेड में कटवाते हैं ताकि हमारा जो फोरहेड जो काफ़ी बड़ा दिखता है तो कटवाते हैं। जैसे कि मैं लेयर कट करवाती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा दिखता है तो उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए। फोर्थ टिप ये है कि आप कोई भी हेयर स्टाइल करिए, जैसे कि आप पफ करिए, साइड ब्रेड करिए, पॉनी करिए, कोई भी हेयर स्टाइल करिए, आपके फेस पे फेस के ऊपर जो हेयर होता है उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आप अपने फेस के हेयर में ऐसे कोई भी पफ हेयर स्टाइल करते हैं, अगर आपके हेयर में वॉल्यूम रहता है ना तो आपका जो फोरहेड है वो नेचुरली थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। सो गाइज, ए बिग फोरहेड के वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर किए थे जिस उसके अपोजिट ही स्मॉल हेयर में है। सो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो बिग फोरहेड के लिए हेयर स्टाइल मैंने बताया, बिग फोरहेड के लिए हेयर स्टाइल जो मैंने बताया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में जरूर आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि पफ, साइड पफ या फिर आपको हेयर में वॉल्यूम देके हेयर स्टाइल करना है। अभी मैं हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ टिप्स ये था। फिफ्थ टिप्स ये है कि आप अगर आपका अगर फोरहेड जो है वो काफ़ी स्मॉल है तो आप कोशिश करिए कि बीच मांग निकालें। जैसे कि मैं इमेजेस यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐड करते रहूंगी, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपका स्मॉल फोरहेड बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आप बीच मांग निकालिए। बीच मांग निकालने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लियरली हमारा फोरहेड दिखाई देता है और बहुत ही मतलब अच्छा सा ऐसा लगता है कि हमारा फोरहेड जो है वो नॉर्मल। तो ये थे कुछ टिप्स एंड अब हम शेयर करते हैं 5 हेयर स्टाइल। सो फर्स्ट हेयर स्टाइल में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पॉनी टेल बनाइए। आपको पॉनी टेल हाई पॉनी बनाना है, पॉनी बनाना है। पॉनी बनाने से हमारा जो फेस है वो काफ़ी क्लियर दिखता है, फेस पे हेयर नहीं दिखते हैं। सो सबसे पहले मैं पॉनी क्रीम गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किया है एक हाई टाइट पॉनी, मतलब आपको पूरे हेयर को अच्छे से टाइटली बैंड करना है और क्या करना है आपको हाई पॉनी करना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं अपने साइड फेस पे, आप इसको ले सकते हैं। इससे भी हमारा फोरहेड जो काफ़ी क्लियर नज़र आता है। तो फोरहेड बहुत स्मॉल है तो आप हाई पॉनी कर सकते हैं। सेकेंड हेयर इस साइड मैंने अच्छा सा एक वॉल्यूमाइज स्प्रेड बनाया है, दैट साइड भी मैं वैसे ही। सो गाइज इस तरह का हेयर स्टाइल करके साइड में आपको पॉनी फ्रंट में रखना है, बैक में नहीं रखना है। इस तरह से भी आप हेयर स्टाइल करेंगे तो आपका स्मॉल फोरहेड जो है वो नेचुरली बिग दिखेगा। गाइज थर्ड हेयर स्टाइल के लिए हमें बीच से मांग निकालना है पूरा बैक साइड तक। उसके बाद क्या करना है, फेस हमारा अच्छे से शो हो इसके लिए हम फ्रंट से जो ईयर के साइड तक जो हेयर है यहाँ पे उसको अच्छे से क्लियरली कॉम्ब करेंगे और बैक साइड की जो हेयर है उसको साइड कर देंगे हम यहाँ पे, और इस हेयर को हम अच्छे से बैक साइड में ले जाके अच्छे से पूरा चिपका के और क्लिप लगा लेंगे। एंड बैक के हेयर को हम अच्छे से फिर ऐसे कर लेंगे, इस साइड में हम वैसे ही करेंगे। सो अच्छे से हमें फ्रंट के हेयर को जो वो कान के पीछे ले जाके क्लिप कर लेना है और पीछे का जो हेयर है उसको हमें फ्रंट में लेके आना है लाइक दिस। अच्छे से हम अपने हेयर को स्ट्रेट करेंगे, इससे क्या है कि फ्रंट के जो हेयर है वो आपके फेस पे नहीं आएंगे और बैक के हेयर जो है वो साइड में आएंगे, तो आपका लुक्स जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा और स्मॉल फोरहेड बिग दिखेगा। गाइस जैसा कि मैंने आपको टिप्स में बताया था कि आप बीच मांग निकाल सकते हैं, बीच मांग निकालने से हमारे फोरहेड जो है वो बड़े दिखते हैं। सो बीच मांग के लिए बहुत सारे हेयर स्टाइल, आप कोई भी हेयर स्टाइल चाहे तो कर सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखना होगा कि हमारे जो हेयर है वो हमारे फेस के ऊपर नहीं आने चाहिए, वो बैक साइड में रहना चाहिए। तो बैक साइड में करके आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं।
सो गाइज इस तरह का हेयर स्टाइल भी आप कैरी कर सकते हैं, इससे भी आपका फोरहेड जो बिग दिखेगा और आप मैरिड है तो अच्छे से सिंदूर को फील कर सकते हैं, मांग टीका लगा सकते हैं। इस हेयर स्टाइल में मैंने क्या किया है कि फ्रंट से हेयर जो है वो मैंने ऐसे चिपका के रखा है, बैक साइड में मैंने हेयर को पफ किया है। सो इस तरह के हेयर स्टाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। गाइस लास्ट हेयर स्टाइल के लिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ एक पफ हेयर स्टाइल, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर करूँ। तो पफ हेयर स्टाइल, ये पफ हेयर स्टाइल अगर आप इस तरह से क्रिएट करते हैं तो आपका फोरहेड जो है वो बिग दिखने वाला है। गाइज ये था हमारा लास्ट हेयर स्टाइल। सो आप लोगों ने देखा ना मैंने किस तरह से ये पफ क्रिएट किया है एक छोटा सा क्लचर की हेल्प से। सो ये पफ ना ही मिनी पफ है और ना ही पूरे मैंने हेयर्स को लिए हैं। फर्स्ट फेस पे मैंने हेयर नहीं रखे हैं क्योंकि आप फेस पे हेयर रखेंगे तो आपके जो फोरहेड है वो स्मॉल दिखने लगेंगे। सो आपको क्लियरली पूरे हेयर को लेके हाई पफ बनाना है। जितना आप हाई पफ बनाएंगे आपका फेस जो है वो काफ़ी लंबा दिखेगा और क्लियर दिखेगा। सो गाइज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं, हेयर स्टाइल शेयर किए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो लंबा हो गया तो सॉरी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग किस तरह की वीडियो देखने हैं। आप कोई भी अपने पसंद की कमेंट कर सकते हैं, आपको किस तरह के हेयर स्टाइल की वीडियो, स्किन केयर, मेकअप की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉच, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।